हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम सोनम फैशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं ब्लाउज की बैक पार्ट में बहुत ही सुंदर और यूनिक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए आइए देखते हैं ब्लाउज का मेजरमेंट। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज का शोल्डर लिया हुआ है 6 इंच एंड आर्महोल भी मैंने 6 इंच ही लिया हुआ है। इसके बाद मैंने सीना रखा है 11 इंच, कमर के लिए मैंने लिया हुआ है 10 इंच एंड ब्लाउज की लंबाई रखी थी मैंने 15 इंच। गले की चौड़ाई रखी हुई है मैंने 3 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं 3 या 2.5 इंच। इसके बाद हमें नीचे भी 3 इंच पे निशान लगा लेना है एंड अब इन दोनों निशान को मिलाते हुए हमें एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हमें ऊपर की ओर 3 इंच पे निशान लगा लेना है एक, और यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हुए हमें बोट नेक का शेप दे देना है। इसके बाद हम यहाँ पर बचे हुए कपड़े में देखेंगे कितना हमारा बच रहा है, तो उसके बीच में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मेरा 10 इंच बच रहा है, तो यहाँ पर मैंने 5 इंच पे निशान लगा लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का शेप दे देना है बीच के निशान से, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से शेप दे दीजिए। अगर आप बड़ा गला पसंद करते हैं तो आप 3 इंच पर ही शेप दे दीजिए, अदरवाइज आप 2.5 इंच या 2 इंच पे शेप दे देते हैं। मैंने भी यहाँ पर 2 इंच पे शेप रखा है क्योंकि हमें बड़ा गला पसंद नहीं है। एंड इसके बाद अब हमें कर लेना है इसको कटिंग। और हाँ, कटिंग करते टाइम आपको याद रखना है कि जहाँ पर मैंने ये शेप दिया हुआ है बीच वाले निशान से 5 इंच वाले से, आपको ऊपर और नीचे से 1 इंच छोड़ के ही कटिंग करना है। यहाँ से आपको 1 इंच छोड़ देना है और 1 इंच आपको नीचे की ओर छोड़ देना है, उसके बाद आपको कटिंग करना है शेप देके। अब इसके बाद हम इन दोनों को अलग कर लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का फैब्रिक 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब ब्लाउज के कपड़े के ऊपर हम रखेंगे लाइनिंग। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ लाइनिंग को रख लिया है। इसके बाद हम इसमें सिंपल स्टिच लगा देंगे गले की साइड और नीचे की साइड। और स्टिच लगाते समय आपको किनारे किनारे ही लगाने हैं स्टिच, ज़्यादा दबाना नहीं है आपको कपड़ा। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लगा लिया स्टिच। आप चाहें तो यहाँ पर बकरम का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट मैं बकरम नहीं लगा रही हूँ, मैं डायरेक्ट सिलाई करके ही पलट दूंगी। इसके बाद हमें लगा लेने हैं यहाँ पर छोटे छोटे से कट, और कट आपको थोड़ा ध्यान से लगाना है, हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए कट लगाते टाइम। कट लगाने के बाद हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसे कर लेंगे हाथों से प्रेस थोड़ा अच्छे से, ताकि ये अस्तर कपड़े पर अच्छे से बैठ जाए। और आपको किसी पेचकस की सहायता से इसके कॉर्नर को निकाल लेना है अच्छे से। मैंने यहाँ पर इसके कॉर्नर निकाल लिए हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे।
तो यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा ली है सेम इसी तरीके से। अब हम इसके सेकेंड पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद सेम इसी तरीके से हम इसमें भी छोटे छोटे से कट लगाकर ऐसे भी पलट लेंगे। तो मैंने इस पार्ट में भी सिलाई लगा ली है पलटकर, तो कुछ इस तरीके का आ रहा है इसका लुक ब्लाउज का। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है ब्लाउज की। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर एक 2.5 इंच चौड़ी पट्टी को सिलकर इसे पलट लिया है और अब मैं बनाऊँगी इससे फ्लावर। तो फ्लावर बनाने के लिए आपको वही सिंपल 2.5 इंच की पट्टी को सिल के पलट लेना है। एंड इसके बाद आपको सिलाई की साइड सिलाई डालनी है, जहाँ पर हमारी इस पैल्ट में सिलाई है आपको उसी साइड सिलाई डालनी है सुई से। और सिलाई आपको पास पास डालना है, ज़्यादा दूर दूर नहीं डालना है। और खींच कर देखिएगा कुछ इस तरीके से ये फ्लावर बन जाएगा। आपको टाइट खींच देना है और इसके बाद यहाँ पर बीच में मैंने एक मोती टक कर दिया है तो फ्लावर बन गया है। और बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के साथ फ्लावर कैसे बनाते हैं वो वीडियो भी शेयर करूँगी। एंड इसके बाद यहाँ पर टक कर देना है एक फ्लावर को, और एक फ्लावर को टक कर देना है हमें ऊपर। इन दोनों पार्ट को हमें जॉइंट करके कर देना है टक फ्लावर को। तो नीचे का फ्लावर कर दिया है मैंने टक, सेम इसी तरीके से हमें ऊपर का फ्लावर भी टक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों फ्लावर को टक कर दिए हैं। एंड इसके बाद कुछ इस तरीके का आ रहा है हमारे ब्लाउज का लुक। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।